पटाखे चला दो भाई, रोमन रेस जीत चुका है गाइस, मेरी प्रिडिक्शन भी सही हो चुकी है। एंड गाइस रोमन रेस का स्टैंडर्ड ही कुछ और है, दोनों को साथ में लेकर पिन किया रोमन रेस ने। एंड गाइस बहुत ही अच्छा मैच था, रोमन रेस ने दिखा दिया कि वो ऐसे यूनिवर्सल चैंपियन है। हालांकि थोड़ी सी जेउसो की भी हेल्प थी रोमन रेस के पास, लेकिन फिर भी डैनियल ब्रायन एंड एज को रोमन रेस ने हरा दिया, वो भी ट्रिपल थ्रेट मैच में। डबल डबल मतलब चांसेस है कि रोमन रेस हार जाएगा, लेकिन फिर भी रोमन रेस ही जीता है। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बता दो, आप जो चाहते थे वही हो गया ना। बहुत ज्यादा मुझे कमेंट आते थे कि रोमन रेस को ही जीतना चाहिए, वही जीत गया है। एंड गाइस कैसा लगा मैच वो भी बता देना। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, मुझे पहले ही फीलिंग आने लगी थी भाई, मतलब रोमन रेस मतलब जीतने वाला है यार, मतलब उसको लंबा चैंपियन बनाया जाएगा। लेकिन क्यों, रीजन भी इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूं, क्यों एज को WWE अभी भी चैंपियन नहीं बनाना चाहती। हालांकि एज के पास बहुत ही कम ईयर रह गया है, बहुत कम टाइम रह गया एज के पास। एंड गाइस सबसे पहला रीजन है कि क्यों अभी भी रोमन रेस चैंपियन है, WWE अभी भी चाहती है कि उनका फेस ऑफ द कंपनी रोमन रेंज ही रहे। आपको पता होगा WWE को कितने कम लोग देखने लगे थे जब रोमन रेंज चला गया था, और जब रोमन रेंज आया तो चैंपियन बना और बहुत ज्यादा रेटिंग आ गई। तो WWE नहीं चाहेगी कि मतलब अब रेसलमेनिया के बाद लोग मतलब लाइटली ले उनको, देखें अभी भी रोमन रेंज के कारण। सेकंड जो रीजन था, WWE बताना चाहती थी कि रोमन रेंज एज एंड डैनियल ब्रायन से भी ज्यादा ताकतवर है, उनसे भी अच्छा रेसलर बन सकता है फ्यूचर में। बट गाइस बैकलैश अगला पेपरव्यू है, आई थिंक रोमन रेंज वर्सेस एज होने वाला है बैकलेश पर। गाइज ये गेम बड़ा लंबा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ गाइज। एंड रोमन रेंस के अभी बहुत ज्यादा ओपोनेंट पड़े हैं, ये भी एक रीजन है कि रोमन रेंस अभी भी चैंपियन है। चैंपियनशिप के लिए बिग ई वर्सेस रोमन रेंस बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, उसके साथ साथ अभी ब्रोक लेसनर का भी रिटर्न होना बाकी है, ये भी याद रखना। ब्रोक लेसनर एंड रोमन रेंस की राइवलरी दोबारा हो सकती है। एंड गाइज आप मुझे बता दो, अगर ये मैच होगा किसकी साइड होगी, अगर ब्रोक लेसनर रिटर्न कर गया जल्दी ही तो ब्रोक लेसनर को आप चूज करोगे या रोमन रेंस को, कमेंट से बताइएगा। सो गाइज ये साल का रेसलमेनिया याद रहेगा, मजा आ गया यार। डे वन आई थिंक बेटर था डे टू से, पर फिर भी बहुत अच्छा रेसलमेनिया गया, एक्सपेक्टेशन कम थी। लेकिन फिर भी फीड की जो वीडियो बनाई है मैं ऊपर लिंक दे देता हूं, आप वहां पर जाके टैप करके देख लीजिएगा वीडियो, आपका यहां पर काम समाप्त नहीं होता। सब्सक्राइब मार देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, एंड लाइक मार के अपनी अटेंडेंस लगा देना।